वेलकम टू एटम क्लासेज। लास्ट लेक्चर मैंने आपको लिक्विड स्टेट के बारे में बताया था। अब जो स्टेट ऑफ मैटर है, मैटर का जो स्टेट है उसमें जो तीसरा उसका फेज है वो है गैसियस फेज या फिर गैसियस स्टेट। अब हमें गैसियस स्टेट के बारे में जानना, अब इसमें भी एक्टिविटी 1.11 के बारे में जानना है क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इस एक्टिविटी में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ में लेना है तीन सिरिंज, ठीक है। तो फर्स्ट एक्टिविटी में हमें क्या करना है, तीन सिरिंज लेना है। तो यहाँ पर जैसे तीन सिरिंज बना लेते हैं, पहला हो गया, ये दूसरा सिरिंज हो गया और ये तीसरा सिरिंज हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, तीन सिरिंज लेना है और इसमें क्या होता है, पिस्टन होता है, यहाँ पे इसका यहाँ पे पिस्टन होता है। तो तीनों सिरिंज हो गया और तीनों सिरिंज का ये पिस्टन हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में हमें इस तरह से तीन सिरिंज लेना है, ठीक है, और ये है पिस्टन इसका, ये है पिस्टन। अब करना क्या है, हमें सबसे पहले तो इस पिस्टन को हटा देना है, ठीक है। पिस्टन को हटाना है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, तीन सिरिंज लेना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमें इसका पिस्टन को रिमूव कर देना है। क्या करना है, रिमूव, रिमूव द पिस्टन, इस पिस्टन को हटा देना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, इसका जो निडिल है, यहाँ पर निडिल वाला पोर्शन है, यहाँ पर हमको लगा देना है, एक रबड़ का लगा देना है, इसको पैक कर देना है, यहाँ तीनों को, ठीक है, तीनों को पैक कर दिए रबड़ से, ठीक है। ये थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे कि पहले वाले में हमें कुछ नहीं भरना है, दूसरे वाले में इसमें भर देंगे हम वाटर या फिर कोई भी लिक्विड भर सकते हैं, और तीसरे में भर देना हमको पाउडर ऑफ चाक, चाक का पाउडर भर देना है, ठीक है। अब ये तीनों भरने के बाद, इसमें कुछ नहीं भरना है, इसमें वाटर भरना है, इसमें चाक भरना है, ये भरने के बाद ये था फोर्थ स्टेप। पांचवें स्टेप में क्या करना है, वापस इस पिस्टन को लगा देना है तीनों में, ठीक है। जहाँ तक चाक है, इसमें जैसे चाक यहाँ तक मान लीजिए भर दिया गया, तो यहाँ पर पिस्टन लगा दिया, इसमें यहाँ तक हो गया, यहाँ तक लगा देंगे, और इसमें कुछ भरा ही नहीं गया था तो इसमें भी ऐसे यहाँ तक लगा देंगे, ठीक है। ये था फिफ्थ स्टेप। सिक्स स्टेप में हमें क्या करना है कि इन तीनों पे प्रेशर लगाना है, ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर लगाना है इस पिस्टन पे, ठीक है। जब पिस्टन पे प्रेशर लगाते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा ये देखना है, ठीक है। तो पिस्टन पे प्रेशर लगा दिए, यहाँ पे लिख देते हैं प्रेशर, ये था सिक्स स्टेप, प्रेशर लगा रहे हैं। अगला सेवन्थ स्टेप में हमें क्या देखना है कि जब ये प्रेशर लगाते हैं तो इसमें से कौन सा क्या हो रहा है, कंप्रेस हो जा रहा है, कौन सा दब जा रहा है। तो यहाँ देखते हैं जो पहला था ये वाला, ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो जो ए है ये क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो कंप्रेस क्यों हुआ, उसका रीजन क्या था, कि उसका रीजन ये था कि इसके अंदर भरा हुआ एयर, यहाँ पे भरा हुआ एयर, जब यहाँ पे कुछ नहीं भर दिया तो इसका मतलब कि यहाँ पे एयर हो गया, और ये वाटर भरा, ये है लिक्विड और ये है सॉलिड, ठीक है। तो ये हो गया कंप्रेस। तो कंप्रेस क्यों हुआ, क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच जो स्पेस होता है वो स्पेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस या फिर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, तो इनके बीच जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ये क्या होता है, लार्ज होता है। और लार्ज होने के कारण क्या हो रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है, और कंप्रेस हो रहा है तो इसलिए इसका बोलेंगे जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो होता है। तो ये होता है इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, यस, इसके लिए देंगे होता है, यस, ठीक है। तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, ठीक है। तो एयर में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होगा, जबकि वाटर में या फिर सॉलिड में या फिर बोल दें लिक्विड और सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ से पता चला जो इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है सबसे ज़्यादा होता है, यस हो रहा है, और सबसे ज़्यादा है, लिख सकते हैं इसको मोर, मोर देन लिक्विड एंड सॉलिड, इन सबों से सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। हमें इससे पता चला जो गैस है वो क्या होता है, कंप्रेस होता है। अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें और जानना है, एक है LPG और दूसरा है CNG, ये क्या होता है। तो CNG और LPG क्या होता है, LPG होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ये होता है। ये यूज कहाँ होता है, तो उससे घरों में खाना बनता है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, LPG गैस भरी होती है। अब वो जो सिलेंडर होता है काफ़ी छोटा सिलेंडर होता है, लेकिन उसके अंदर लेकिन उससे क्या होता है, कई बार महीने भर का चाहे डेढ़ महीने का खाना उससे बन जाता है। तो उसका रीज़न क्या होता है कि उसके अंदर जो गैस भरा हुआ है उसको क्या हाईली कंप्रेस्ड करके भरा गया, उसमें हाई प्रेशर भरा गया है, जिसके कारण उसके अंदर बहुत सारा गैस भर दिया गया है, ठीक है।
तो इसलिए उसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और वो क्या होता है, उसके अंदर जाने के बाद जब भी उसे प्रेशर दे रहे हैं तो क्या होगा, उसके पार्टिकल जो हैं, जो गैस के पार्टिकल ज़्यादा पास आ जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, लिक्विड के जैसा हो जाएगा। तो इसके अंदर जो गैस भरा होता है वो कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसीलिए इसको इसका वर्ड होता है लिक्विफाइड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। है गैस लेकिन लिक्विफाइड में है, वो लिक्विड के फॉर्म में है। तो जब भी उसका सिलेंडर का नॉब खोलते हैं, वो गैस जब है उस सिलेंडर से बाहर आता है, तो उसका प्रेशर जो लगा हुआ है वो प्रेशर हट जाता है, प्रेशर हट जाने पर वापस वो गैस बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब दूसरा आता है सीएनजी, तो इसका होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है व्हीकल्स में, व्हीकल्स ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स जितने भी हैं उस सभी में ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भरे जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों गैसेज हैं। अब इन दोनों में क्या करते हैं, इसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसके कारण इसको कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करके इसका घरों में रसोई में यूज करते हैं, इसका व्हीकल्स में यूज करते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमें देखना है गैसेज की, तो दो गैसेज हैं उनका क्या होगा, आपस में डिफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, वो डिफ्यूज कर सकते हैं। तो गैसों में क्या होता है, डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है। तो अगला लिख सकते हैं यहाँ पे डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है। और जो गैसों में डिफ्यूजन होता है वो लिक्विड लिक्विड के डिफ्यूजन या लिक्विड सॉलिड के डिफ्यूजन से सबसे ज़्यादा, लिक्विड लिक्विड वो लिक्विड लिक्विड और लिक्विड सॉलिड के जो डिफ्यूजन होता है उससे भी कहीं ज़्यादा होता है इसमें। तो ये कह सकते हैं कि इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है किससे, लिक्विड लिक्विड का कर दे या फिर लिक्विड और सॉलिड का कर दे डिफ्यूजन। तो इसमें ये कौन सा, ये गैस का गैस में है डिफ्यूजन, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा होता है। अब इसका रीजन क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा है, तो इसका रीजन होता है, सबसे पहला रीजन ये है कि इनके बीच स्पेस सबसे ज़्यादा होता है, जो गैस के पार्टिकल हैं इनके बीच का जो स्पेस है जिसको बोलते हैं इंटर मॉलिकुलर स्पेस, जैसे यहाँ लिखा हुआ इंटर मॉलिकुलर, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो पहला तो ये होता है इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस, जो दूसरा होता है, दूसरा होता है इनके बीच जो इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है, तो दूसरा लिख सकते हैं इसमें इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। तो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है ये क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, जिसके कारण इसके पार्टिकल एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं। तो इसके इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कम होने का, इसको लिख सकते हैं लेस, ये है लेस। तो इस लेस होने के कारण भी इनके बीच डिफ्यूजन ज़्यादा तेज़ से होता है, क्योंकि दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लेते हैं एक ये है। अब इसका सेम इसी पार्टिकल से, इसका इस पार्टिकल से अगर अगर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या बहुत कम है, बहुत कम है, तो ये पार्टिकल आसानी से इधर जा सकता है। अगर इसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो ये आसानी से नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो वहीं जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या होता है, लेस होता है, जिसके कारण भी इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन ज़्यादा तेज़ होता है। दो गैस के पार्टिकल हैं उनके बीच डिफ्यूजन बहुत तेज़ से होगा, ठीक है। तीसरा आता है इनके बीच, पहला हो गया डिस्टेंस का है, डिस्टेंस जो है इनके बीच काफ़ी ज़्यादा होता है, डिस्टेंस क्या होता है, लार्ज। दूसरा होता है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। तीसरा इसमें लिख सकते हैं कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, इनके पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है, स्पीड ऑफ पार्टिकल या फिर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल लिख सकते हैं इसमें, स्पीड ऑफ पार्टिकल वो क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है। तो इसके पार्टिकल का स्पीड भी बहुत तेज़ होता है, एज कम्पेयर टू वाटर, एज कम्पेयर टू लिक्विड, एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में जो गैस के पार्टिकल होते हैं उनका क्या होता है, तो उनके पार्टिकल का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा चीज़ इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम होता है। तीसरा इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तीन प्रॉपर्टी के कारण इनके भी जो डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अब क्या क्या प्रॉपर्टी पता चली, सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या पता चली कि पहला चीज़ कि इनका इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा चीज़ इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स लेस होता है। तीसरा चीज़ स्पीड ऑफ पार्टिकल, जो इसके पार्टिकल हैं उनमें स्पीड बहुत तेज़ होता है, वाइब्रेट ज़्यादा तेज़ से करते हैं, मूवमेंट भी ज़्यादा तेज़ से करते हैं। फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन इसमें बहुत तेज़ से होता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसका बहुत ज़्यादा होता है, मोर है। तो ये सारे जो हैं ये सब गैस के पार्टिकल्स के क्या हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ हैं। जो है गैसियस स्टेट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इसके आगे चैप्टर पढ़ाया